दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देखिए, अगर आपको अपनी ये साइड की चर्बी दोस्तों देखिए और ये मोटा पेट कम करना है तो इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा। बहुत ही बेस्ट यानी कि सरल व्यायाम है। आप इसका अभ्यास सुबह 6 से 7 के बीच में करना है। कम से कम 3 मिनट तो करना ही करना है। अगर आपके पास समय है तो आप 5 मिनट कर ले दोस्तों देखिए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों देखिए, आपको एवरीडे यानी कि प्रतिदिन अपना ब्रेकफास्ट करना है 7 से 9 के बीच में। लंच आपको एवरीडे करना है 1 से 2 के बीच में। रात का जो खान पान है वो आप दोस्तों के ऊपर है। सोने से 3 से 4 घंटा पहले करना है दोस्तों की, सोने से 3 से 4 घंटा पहले करना है। अब मेरे कई दोस्त पूछेंगे कि कौन सा खान पान करना है। शुद्ध शाकाहारी भोजन, प्योर वेजिटेरियन यानी कि पेड़ पौधों से। अब मेरे कई दोस्त पूछेंगे कि प्योर मतलब वेजिटेरियन किसे बोलते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन किसे बोलते हैं। तो प्योर वेजिटेरियन का मतलब होता है जो पेड़ पौधों से, प्रकृति से, धरती माँ से जो हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, चाहे वो हरी सब्जियां हो, चाहे वो मोटा अनाज हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो हमारे मसाले हो, चाहे वो हमारे फल फ्रूट हो, चाहे वो सलाद का आइटम हो, इन सब का सेवन आपको ये शुद्ध शाकाहारी भोजन होते हैं दोस्तों की। एनिमल फूड, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, ठंडे पदार्थ और जंक फूड, ये जो 4 चीजें हैं दोस्तों की, एनिमल फूड, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, ठंडे पदार्थ और जंक फूड का सेवन आपको महीने में केवल 6 बार करना है दोस्तों की। 6 बार करना है, इससे ज्यादा इनका सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अवश्य आपका मोटापा, पेट की अधिक चर्बी यानी कि शरीर में कहीं भी फैट है वो कब होगा दोस्तों की, धीरे धीरे कम होगा। आप 7 दिन करके देखें दोस्तों की, इस उपाय को आप 7 दिन करके देखें, आपको अवश्य फायदा होगा। तभी तो आपको एहसास होगा कि हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए आपको कैसे करना है, आपको पीठ के बल आपको लेटना है दोस्तों की। ध्यान से देखिए, पैर को सीधा रखें, पीठ के बल आपको लेटना है। और उसके बाद दोस्तों देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए आप प्लेन जगह पर करना है दोस्तों की। पीठ के बल लेटते हुए दोस्तों देखिए अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाए और देखिए ऊपर की तरफ उठाए दोस्तों, कमर पर सहारा लगाए दोस्तों देखिए, इस प्रकार आपको सहारा लगाना है दोस्तों की कमर। कुछ समय यहाँ पर होल्ड रखिए दोस्तों, जितना आप ऊपर लगा सकते हो धीरे धीरे। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना दाहिना पैर दोस्तों की सिर की तरफ लाना है दोस्तों की, सिर की तरफ लाए दोस्तों की, कोशिश करें दरी पर टच करने का देखिए इस प्रकार, और बाहिने पैर को सीधा रखिए। कुछ सेकंड यहाँ पर होल्ड रखिए, मुंह बंद रखना है, नाक से सांस को लेना है, नाक से सांस को छोड़ना है दोस्तों देखिए। उसके बाद अपना दाहिना पैर सीधा करें, फिर अपना बाहिना पैर सिर की तरफ लाए दोस्तों देखिए इस प्रकार दोस्तों। कुछ सेकंड यहाँ पर होल्ड रखिए दोस्तों देखिए, कम से कम 3 मिनट करना है दोस्तों देखिए। ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी सरल एक्सरसाइज दोस्तों देखिए। यहाँ पर आपको होल्ड रखना है दोस्तों देखिए, कम से कम 10 सेकंड यहाँ पर होल्ड रखना है दोस्तों देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब 15 सेकंड भी रख सकते हैं दोस्तों की। कोशिश करें दोस्तों देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमारे गले की ग्रंथि मजबूत बनेगी, ये मोटा पेट कम होगा, हमारे कमर की मांसपेशियां मजबूत बनेगी, हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनेगी, हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनेगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगी दोस्तों देखिए। बहुत ही सरल आसन है दोस्तों देखिए। आपको कैसे करना है एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों देखिए। आप प्लेन जगह पर करना है दोस्तों देखिए, दरी बिछा के करें, और पहले आपको अपने पैरों को इस प्रकार उठाना है दोस्तों देखिए, समकोण स्थिति में लाएं, कुछ सेकेंड यहाँ पर होल्ड रखिए दोस्तों देखिए, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है, आकाश की तरफ, अपने दोनों पैरों को आकाश की तरफ उठाना है दोस्तों देखिए इस प्रकार। आप चाहे तो इसको इस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों, पहले इस प्रकार लाएं, फिर यहाँ सारा लगाएं, और इसके बाद अपने दोनों पैरों को इस प्रकार उठाएं दोस्तों। ये सरल तरीका है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों कोशिश करें जितना आप उठा सकते हैं दोस्तों देखिए। यानी कि जो आपकी जो छुट्टी है, मैं अपने कैमरे में इसको थोड़ा सा आ गया है, मेरी जो छुट्टी है मेरे सीने पर टच है दोस्तों, ये देखिए इतना कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी छुट्टी टच नहीं हो रही है तो आप जितना, देखिए मैं जब ओवर वेट था तो मैंने इसका अभ्यास कैसे किया दोस्तों देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ दोस्तों देखिए। मैंने अपने दोनों पैरों को पहले सिर पर यहाँ पर टच किया दोस्तों देखिए इस प्रकार, उसके बाद मैंने कमर पर सहारा लगाया दोस्तों देखिए इस प्रकार, और इस प्रकार उठा दोस्तों ये देखिए, और फिर अपना दाहिना पैर सिर की तरफ लाया दोस्तों देखिए, कुछ सेकेंड यहाँ पर होल्ड रखें, और फिर बाहिना पैर दोस्तों देखिए, कम से कम 3 मिनट करनी दोस्तों देखिए इस एक्सरसाइज को। दाहिने पैर को सीधा रखने का अभ्यास करें देखिए, पैर ऐसे टेढ़े नहीं रखने दोस्तों की, ऐसे टेढ़े नहीं रखने, सीधा रखने दोस्तों की, ये देखिए सीधा रखे पैरों को, ये देखिए दाहिनी तरफ पहले दाहिना पैर, कुछ सेकंड आप होल्ड रखे, आप 15 सेकंड भी होल्ड रख सकते हैं दोस्तों की। बस इस बात का ध्यान रखें, मुंह बंद रखें,
नाक से ही सांस को लेना है, नाक से ही सांस को छोड़ना है, मुंह बंद रखना है। आप चाहे तो आंखें भी बंद रख सकते हैं, सुई आनंद आएगा आपको। आहा, आप करें दोस्तों, देखिए इस एक्सरसाइज का अभ्यास करें दोस्तों की, ये देखिए कम से कम 3 मिनट तो करना ही करना है दोस्तों। धीरे धीरे करें, जितना आप धीरे धीरे करेंगे आपको उतना फायदा होगा दोस्तों। अगर आप थकते हैं तो थोड़ा सा आराम कर ले दोस्तों, आराम करने की जो पोजीशन है इस प्रकार करें, मुंह बंद रखें, नाक से सांस लें, नाक से सांस को छोड़ें, फिर दोबारा करें दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कैसे करना, आपको जो सरल तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों की कैसे करना है दोस्तों की। आपको अपने दोनों पैर पहले समकोण स्थिति में लाने दोस्तों इस प्रकार, फिर अपने सिर की तरफ लाइए दोस्तों देखिए, और सिर के लाते समय यहाँ पर आपको सहारा लगाना है दोस्तों, और यहीं से अपने दोनों पैर को उठाए दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो छुट्टी आपके सीने पे मिलेगी दोस्तों की, मैं अपने कैमरे में से थोड़ा सा आगे आए, ये देखिए, और फिर दायरा पहले देखिए, आंखें बंद रख सकते तो और भी बढ़िया दोस्तों। आपको कोई म्यूजिक व्यूजिक नहीं लगाना दोस्तों, कई दोस्त गलती करते हैं कि म्यूजिक लगाते हैं, आपका ध्यान तो म्यूजिक पे चले जाएगा दोस्तों। आपका ध्यान म्यूजिक पे नहीं जाना है, आपका ध्यान सारे योग पे जाना है। किस पे जाना है? योग पे। देखिए कैसे करना है, देखिए फिर आपको मैं एक बार फिर रिपीट करूँ दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार, और ये देखिए अगर आंखें बंद करके आप कर रहे हैं तो आपको और भी मतलब बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों। देखिए आहा, आनंद आएगा, इस प्रकृति का आनंद आएगा। देखिए चिड़ियों की चहचहाट, कुछ हवा, इसका अनुभव करें दोस्तों। देखिए आप म्यूजिक लगा के ना करें दोस्तों, म्यूजिक लगाने के बाद तो ये होगा कि आपका ध्यान सारा म्यूजिक में मतलब म्यूजिक की तरफ चला जाएगा। तो मेरे सभी दोस्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए दोस्तों, देखिए सही समय पर सही खान पान करें, सही जीवन शैली को अपनाएं, ये जो उपाय मैंने आपको बताएं आप 7 दिन करके देखिए। अगर आपको मेरे पर विश्वास है तो आप 7 दिन करके देखिए, आपको अवश्य फायदा होगा। तो मेरे सभी दोस्त स्वस्थ रहे, डरना नहीं दोस्तों। देखिए एक बार मैं आपको रिपीट करके बताऊं फिर दोबारा, देखिए कैसे करना। देखिए आप समतल जगह पर जाना, मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को जगह मिली है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोनों पैरों को दोस्तों इस प्रकार आपको सीधा रखना दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद अपने दोनों पैरों को एक साथ पहले समकोण स्थिति में लाएं, इस पोजिशन में लाएं, फिर इसके बाद धीरे धीरे सिर की तरफ इस प्रकार उठाएं दोस्तों देखिए, और उसके बाद दोस्तों देखिए इस प्रकार यहाँ जाके आपको इस पैर दाहिने पैर को लाना है दोस्तों की, 1 कुछ सेकंड आपको होल्ड रखना है, फिर अपने बाहिने पैर को लाना है दोस्तों की, 2 पैरों को सीधा रखें दोस्तों देखिए, चाहे थोड़ा सा झुकाव उकाव हो जाए इधर उधर लेकिन पैरों को सीधा रखना है दोस्तों। ये देखिए सभी दोस्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सही समय पर सही खान पान करें, इस एक्सरसाइज का अभ्यास आप धीरे धीरे करें, आपको अवश्य फायदा होगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।